अस्सलामु अलैकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं सदाए महरूमी चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। इंतहाई मुख्तसिर सी मैं ये बात करूँगा आपसे। हमने आपसे ये कहा था कि ज़रूरत है, एफवा से ये कहा था कि ज़रूरत है ईओबीआई बचाओ तहरीक चलाने की, और हमारी बात की हकानियत के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, वो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सैक्ड एम्प्लाइज, यानी वो एम्प्लाइज जो निकाले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि उनका चैप्टर बंद कर दिया है। हम किसी की को बेरोज़गार देखकर खुश नहीं होते, लेकिन बहरहाल कानून की पाबंदी तो ज़रूरी है। लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये बात बता रही है, हमें मुख्तलिफ ज़राए से ये बात पता चली है, एपवा के लोग बड़े मुतफक्किर हैं, असवर शमीम साहब, मोहतरम चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी अलमदार साहब और दूसरे तमाम लोग, वो ये बड़े इस मामले में वर्ड हैं कि ये 17 मार्च को जो है ना, ये लिखा गया है कि एक स्पेशल कमेटी बना दी गई है। इसका सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी ऑन नेशनल असेंबली स्पेशल कमेटी ऑन अफेक्टेड एम्प्लॉयज। आई अगेन रिपीट, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी ऑन नेशनल असेंबली स्पेशल कमेटी ऑन अफेक्टेड एम्प्लॉयज। ये ईओबीआई की तरफ से 17 मार्च 2023 को निकालने जाने वाला लेटर है, जो एंडोर्स किया गया है डायरेक्टर टू फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और इसके अलावा पीएसओ टू फेडरल मिनिस्टर, मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन बात करने वाली सिर्फ ये है कि इसमें ईओबीआई की पेंशन्स कॉज के लिए काम करने वालों में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई है। और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था अशरफ साहब का, उनका भी कंसर्न हमारे सामने आ गया है। वो एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं, सवाल ये है कि चोरों और लुटेरों की हुकूमत ईओबीआई 358 मुलाजमीन को बहाल करने पर क्यों अपनी जुम्मेदारी, अपनी पूरी तवानाइयां सर्फ कर रही है? जिन मुलाज़मीन को सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा मुलाजमत से बर्खास्त कर चुकी है, और 358 मुलाजिम जो पीपल्स पार्टी और जफर गोंदल सबका चेयरमैन ईओबीआई के चहेते और रिश्तेदार थे, जाते हुए महकमे की गाड़ियां, लैपटॉप व दीगर सामान ले गए, जो आज तक वापस नहीं किया गया। हुकूमत को इन चोरों को बहाल करने पर कम से कम वाजिबात पर 7 अरब रुपए से ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। ये चोरों की हुकूमत पेंशन में इजाफे करने की बजाय चोरों को नवाजने के लिए पर तोल रही है। हम ऐसा नहीं करने देंगे, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। तमाम पेंशनर दोस्तों से गुजारिश है कि इसको अपने मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ये आपकी पेंशन के मुस्तकबिल का मसला है। चोरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। नकले कुफ कुफ ना बाशिद, हमने बिना कतअ बरीद के अशरफ साहब का मौक़िफ़ जो उन्होंने दबंग अंदाज में दिया है, इसमें हकायक मुकम्मल तौर पर क्या है, और हम मुकम्मल तौर पर इससे अगरचे आगाह नहीं, लेकिन उन्होंने जो निशानदेही की है रियली वो लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ये मैसेज वाकई ऐसा है कि इसे लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए इसे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।